विश्वामित्र उन्हें मिथिला ले गए राजा जनक के दरबार में। राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर था, जीतने के लिए महान शिव धनुष उठाना था। श्री राम ने शिव की आराधना करते हुए उनका धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय उसके दो टुकड़े हो गए। धनुष के टूटने की भयंकर कठोर ध्वनि से धरती आकाश हिला और सीता की मुस्कान भी खिली। वरमाला लेकर वहां अपने स्वामी की ओर बढ़ी और सुहावनी वरमाला श्री राम के गले में पहनाई और श्री राम के चरण छुए। तभी राजसभा में धनुष भंग की ध्वनि सुनकर कुपित परशुराम पहुंचे और जनक जी से कहा, जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है वह मेरा सहस्त्र बहु के समान शत्रु है। श्री राम जी ने कहा, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला मैं। राम, तुम्हारा इतना साहस, अपने आप को इतना बलशाली समझते हो, तो यह स्वयं भगवान विष्णु का धनुष है, अब इसकी प्रत्यंचा चढ़ाओ। श्री राम ने अत्यंत ही सरलता से प्रत्यंचा चढ़ाया। परशुराम तुरंत समझ गए कि यह कोई और नहीं भगवान विष्णु का ही अवतार है। सीता और राम का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। देवताओं ने स्वर्ग से फूल बरसाए, स्वयं ब्रह्मा और शिव अतिथि बने, बड़े बूढ़ों ने आशीर्वाद दिए। ऐसा दिव्य समारोह पृथ्वी पर ना कभी किसी ने देखा था न देखी थी। अयोध्या एक नववधु के समान सजाई गई। ऐसा लग रहा था जैसे समस्त ब्रह्मांड श्री राम और सीता माता के आगमन की तैयारी में जुटा हो। अयोध्या कांड। राजा दशरथ ने निर्णय लिया राम को अयोध्या नरेश बनाने का। इस घोषणा से समस्त अयोध्या में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। किंतु देवतागण चिंतित थे, अगर श्री राम अयोध्या का उत्तरदायित्व ले लेंगे तो रावण संहार कब करेंगे। माता सरस्वती के पास एक उपाय था। उन्होंने रावण के कलिकी दासी मंथरा की मति बदल दी, जिससे उसके मन में यह बात उठी, मेरी कहते तीनों रानियों में श्रेष्ठ है उसी के पुत्र को अयोध्या नरेश बनने का अधिकार है। कैकेयी इस बात को सुनकर हंसी, कैसी बातें करती हो मंथरा, राम मेरा अपना पुत्र ही तो है। तुम्हारा पुत्र? नहीं, वो कौशल्या का पुत्र है और राजा बनने के पश्चात कौशल्या बन जाएगी राजमाता, फिर कौन पूछेगा तुम। कैकेयी क्या सोच में पड़ गई और कोप भवन जा पहुंची। महाराज ने जब कैकेयी के महल में प्रवेश किया तो कोप भवन में उसकी दशा देख बड़े विचलित हो उठे। ये क्या दशा बना ली है आपने, हमसे कुछ त्रुटि हुई क्या? हाँ महाराज, त्रुटि सुधारी और मुझे मेरे दो वरदान दिए, जिसमें प्रथम राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वर ने मेरे भरत को अयोध्या का नरेश बना। महाराज अपने वचन को निभाइए, मुझे अपने पुत्र के भविष्य की चिंता है। इतनी कठोर न बनोगे कई, इतनी कठोर न बनो। दशरथ अंदर से टूट चुके थे। पिताश्री, आप इतनी सी बात को लेकर इतनी व्यथा में, क्या आपको अपने पुत्र पर तनिक भी विश्वास नहीं है? हम रघुकुल के, हमारे प्राण जाए पर वचन न जाए। अयोध्या में हाहाकार मच गया, इसलिए राम
लक्ष्मण और सीता को रात के अंधेरे में प्रस्थान करना पड़ा। उनका पहला पड़ाव सिंहवेरपुर था, जहां निषाद राज ने उन्हें गंगा पार कराया। वहां से प्रयागराज होते हुए यमुना पार कर वे महर्षि वाल्मीकि महाराज से मिले एवं उनसे अपने निवास हेतु स्थान को पूछा और उनके द्वारा बताने पर वाल्मीकि आश्रम से वे चित्रकूट आते हैं। वाह, कितना मधुर दृश्य है! इतने रंग बिरंगे फूल तो स्वर्ग में भी नहीं मिले। कितनी शांति है यहाँ! श्री राम, सीता और लक्ष्मण तृप्त थे अपने सरल एवं रमणीय जीवन से, किंतु वे अयोध्या ने जैसे शोक का चोला ओढ़ लिया था। राजा दशरथ राम के वियोग में स्वर्ग से धार गए। भरत राम को मनाने चित्रकूट पहुंचे। भैया क्षमा कर दे भैया। नहीं भरत, तुम्हारी कोई त्रुटि नहीं, तुम पिताजी की आज्ञा का पालन करो और अयोध्या लौट चलो। भैया अगर आप नहीं लौटते हैं तो अपनी पादुका मुझे दीजिए, आपके लौटने तक यही सिंहासन की शोभा बढ़ाएगी। श्री राम की पादुका को अपने शीश पर रख कर भरत चित्रकूट से लौट चले। अयोध्या में उन्होंने सिंहासन पर श्री राम की पादुका रख कर अगले 14 वर्ष स्वयं नंदीग्राम में रहकर एक सन्यासी की भांति जीवन व्यतीत किया। अरण्य कांड श्री राम के वनवास का असली प्रयोजन कई जीवों का उद्धार करना है, अनेक मनुष्यों का जीवन सार्थक करना है। उन्हें यह भी आभास था कि यह वनवास एक महायुद्ध का उपक्रम है। गुरु मंत्री गुरु माता अनुसुईया ने श्री राम का सप्रेम आदर सत्कार किया और पति पत्नी के प्रेम संबंध का सार से दिखाया। मुनि पत्नी अनुसुईया ने सीता जी को दिव्य वस्त्र एवं आभूषण प्रदान किए। वनवास के दौरान गुरु अगस्त्य ने श्री राम को दिव्य अस्त्र भेंट किए। एक दिन रावण की बहन सूर्पनखा पंचवटिया पहुंची। राम का तेजस्वी रूप देख वह उन पर मोहित हो गई और श्री राम से विवाह करने का हठ कर बैठी। श्री राम विनम्रता से बोले, मैं विवाहित हूं। सूर्पनखा ने तब अपना राक्षसी रूप दिखलाया और सीता पर छपटी। तब लक्ष्मण ने अपनी तलवार से उसकी नाक काट दी। सूर्पनखा खरदूषण के पास गई और खरदूषण राम से युद्ध में सेना सहित मारे गए। तब सूर्पनखा रावण के पास भागी। रावण अपनी बहन की यह दुर्गति देख आग बबूला था। रावण मारीच के पास आया और कहा, पंचवटी में चलकर सोने का मन बन जा तो मारीच, सीता का तो मन मार, मैं सीता को हरूंगा। स्वामी, मुझे वो मृग चाहिए। जैसे तुम्हारी इच्छा। जैसे ही श्री राम का पान मारीच को लगा, तब मारीच हे लक्ष्मण बचा आर्तनाद स्वर में बोला और वृद्ध हो गया। लक्ष्मण, मुझे आपके भैया की चिंता हो रही है, आप तुरंत उनके पास जाएं।
लक्ष्मण ने एक रेखा खींची और कहा, इसके पार ना जाना बाबा। राम और भिक्षु का भेद बदल कर सीता की कुटिया के सामने आ खड़ा हुआ। सीता के रूप को देख कर रावण ने कुछ वचन कहे, जिसे सुन सीता जी ने कहा, यह सुनकर रावण अत्यंत क्रोधित हुआ और क्रोध में भर कर रावण ने सीता जी को विमानी पर बिठा लिया और शीघ्र आकाश मार्ग से चला। डर के मारे उससे गगन रथ हांका नहीं जाता था। गीतराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया, ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। राक्षसी को लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। एक घमासान युद्ध के पश्चात राम ने जटायु के पंख काट दिए, वह घायल को धरती पर आ गिरा और रावण सीता को लंका ले गया। जटायु तड़पता हुआ चिल्लाया, हे राम, श्री राम सीता के विरह में वन में पशु पक्षियों से भी पूछ रहे हैं। हे पक्षी, हे पशु, हे भारों की पंक्ति, तुमने कहीं मृग नहीं सीता को देखा? खंजर, तोता, कबूतर, हिरण, मछली, भौरों का सूर, प्रवीण कोयल। राम वन में सीता को खोजते हुए शबरी के आश्रम पहुंचे। शबरी ने जब श्री राम से पूछा, मैं तो निचली जाति की हूँ स्वामी, क्या मैं आपकी भक्त कहला सकती हूँ? राम ने नवधा भक्ति का उपदेश देकर कहा, हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है जिसमें सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई। शबरी ने राम को बताया, आप आगे पंपा सरोवर जाए, वहां वानरों के राजा से सीता की खोज कराएंगे। किष्किंधा कांड। रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋषिमुख पर्वत निकट आया, वहां मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल के स्वामी श्री राम और लक्ष्मण को देख सुग्रीव ने हनुमान को भेजा। हनुमान जी ब्राह्मण रूप धारण करके श्री राम एवं लक्ष्मण से मिले।
और श्री राम जी के वास्तविक रूप को पहचान करें। श्री राम के जब दर्शन हुए क्या दिव्य क्षण था वह। मेरा समस्त जीवन मात्र इसी क्षण की प्रतीक्षा में था। हनुमान जी श्री राम एवं लक्ष्मण को सुग्रीव के पास लाए। श्री राम की सुग्रीव से मित्रता हो गई। श्री राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को किष्किंधा राज्य सौंपा। महाराज सुग्रीव ने समस्त वानर एवं रीछ सेना श्री राम को समर्पित कर दी। जय श्री राम की गूंज समस्त सेना में गूंज उठी। मेरा सौभाग्य तो देखिए, श्री राम ने मुझे भेजा मां सीता को ढूंढने। उनके प्रिय रूपी लेकर मैं दक्षिण की ओर निकल पड़ा। समुद्र पार कर लंका पहुंचा। तभी रावण ने वाटिका में प्रवेश किया। माता ने उसकी ओर देखा तक नहीं। रावण अपमान का घूंट पी कर रह गया। इतने दिन तुम हमारी उपेक्षा करोगे? नहीं आने वाले तुम्हारे राम इधर कभी। एक माह में तुम मेरा कहा न मानोगी तो तुम्हारा इसी तलवार से वध कर दिया जाएगा। माता सीता दुखी होकर बैठी थी। तभी मैंने प्रभु राम की अंगूठी उनके चरणों में लगाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुरुओं का वर्णन करने लगे, जिनकी सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगे। हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक की सारी कथा कह सुनाई। मेघनाद हनुमान को रावण के दरबार में ले गया। रावण ने कहा, दोस्त वानर कौन है तू? हनुमान जी ने श्री राम के गुणों का वर्णन कर सीता जी को वापस करने हेतु रावण को सुझाव दिया। तू ऐसे नहीं मानेगा, आग लगा दो इस दुष्ट की पूछ को। रावण ने मेरी पूछ में आग लगवा दी। ऐसा सुनहरा अवसर मैं कैसे हाथ से जाने देता। और देखते ही देखते मैंने समस्त लंका स्वाहा कर दिया। तो मैं माता सीता से चूड़ा भी लेकर प्रभु राम के पास वापस आ गया। चलते समय माता सीता ने अपनी चूड़ामणि उतार कर मुझे श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर मुझे अपने हृदय से लगा लिया। श्री राम की आदि संसार समस्त समुद्र तक नील एवं नल के प्रयास से श्री राम नाम के पत्थरों से लंका कांड।
हे नाम वह उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। हाथ में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही ऐसा अंतर है जैसा जुनून और सूर्य में। बाण से लक्ष्मण लक्षित हो गए। तब सुशील वैद्य के कहने पर संजीवनी लाने के लिए हनुमान जी हिमालय पर्वत की ओर निकल पड़े। बूटी ना मिली तो सारा पर्वत ही उठा लाए के लिए। वैद्यराज सुषेण ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण का उपचार किया और लक्ष्मण उठकर बैठ गए। अब इस युद्ध को अंत करने का समय आ गया है। श्री राम ने लक्ष्य साधा और दशानन की नाभि में वार किया और अंत हो गया लंका नरेश रावण का। श्री राम और सीता का मिलन हुआ, समस्त ब्रह्मांड आनंद से झूमने लगा। सीते आज अयोध्या उन्हें नव विवाहित वधु की भांति सजी है। तीनों माताएं आज पुनः पूजा की थाली लिए देहरी पर प्रतीक्षा कर रही हैं। श्री राम आज से पुनः अयोध्या नरेश कहलाएंगे। अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई। विष्णु को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में श्री राम के दर्शन हुए। बोलो सियावर राम चंद्र की जय।